हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल अगार्थियन टाटा पर। तो चलिए भाई लोग, हम बात करते हैं BMW की द ब्रांड न्यू G310 RR के बारे में, जो रिसेंटली मिड जुलाई में लॉन्च होने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लुक और डिजाइन को लेकर। तो भाई लोग, अभी तक जो भी फोटोज या जो भी उसकी वीडियोस BMW के थ्रू इंटरनेट पर भी वायरल है, वो सारी फोटोज को देखने के बाद हम एक चीज तो क्लियरली समझ चुके हैं कि बाइक टोटली इंस्पायर्ड है TVS Apache RR 310 से। तो लुक और डिजाइन में आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ग्राफिक्स आपको अलग मिल रहे हैं, बैज आपको अलग मिल रहा है, लेकिन बाइक आपको Apache RR 310 वाली ही मिलने वाली है। अभी एक रिसेंटली टीजर रिलीज हुआ है BMW की तरफ से, इसमें हम देख सकते हैं कि जो उसमें स्पीडोमीटर दिखाया जा रहा है आप BMW G310 RR का, वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड है या फिर बेस्ड है या फिर सिमिलर है Apache RR 310 से, या फिर गाइस हम कह सकते हैं कि सेम स्पीडोमीटर क्लस्टर को ही यूज़ किया गया है BMW G310 RR में। तो आपको स्पीडोमीटर में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, वेलकम स्क्रीन आपको मिलेगा जिसमें BMW मोटर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। अगर हम बात करें BMW G310 RR के पावर को लेकर, तो आपको इसमें भी सेम वही पावर आउटपुट मिलने वाला है जो हमको मिलता है BMW की G310 R, G310 GS और TVS की Apache RR 310 में, क्योंकि तीनों ही बाइक्स में सेम इंजन यूज किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली G310 RR में भी सेम इंजन देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें कोई भी पावर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। अगर होता भी है गाइस, तो लिटिल बिट अप डाउन हो सकता है, आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी जो पावर आउटपुट रहने वाला है वो 34 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 9700 RPM पे। वह अगर मैं टॉक की बात करूँ तो 27.3 Nm का टॉक जनरेट करेगी 7700 RPM पर। तो अगर हम बात करें BMW G310 RR के फीचर्स को लेकर, तो आपको इस बाइक में सारी फीचर्स मिलने वाली हैं जो Apache RR 310 में आती हैं। जैसे कि आपको 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि अर्बन मोड, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड और रेन मोड है। और सारी फीचर्स में आपको Apache RR 310 की BMW G310 RR में देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें BMW G310 RR के ब्रेक्स को लेकर, तो आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलेगा, वहीं रियर में आपको 240 mm का डिस्क मिलेगा, जो कि डुअल चैनल एबीएस के साथ लैस होगा। अगर बात करूं गाइस मैं BMW G310 RR के व्हील्स को लेके, तो आप देख सकते हैं कि इस बाइक में Apache RR 310 या फिर BMW G310 RR के वाले ही अलॉय व्हील्स को यूज किया हुआ है, जो कि दोनों बाइक्स में पहले से ही आती हैं। तो सेम व्हील्स आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग, अगर हम बात करें BMW G310 RR के फ्रंट सस्पेंशन को लेके, तो लोगों का कहना था कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट में ही फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल आने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन नॉन एडजस्टेबल मिल रहा है। हो सकता है कि आपको जैसे कि Apache RR 310 बिल्ड टू ऑर्डर के थ्रू आप चाहें तो अपग्रेड करा सकते हैं अपने इस बाइक सस्पेंशन को, तो कुछ इसके साथ भी आप ऐसा कर सकेंगे। अगर मैं बात करूँ रिलायबिलिटी की, तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि BMW की बाइक्स हैं रिलायबल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिलायबिलिटी का कोई इश्यू ही नहीं है, फिर ज़्यादा बात करना ही बेकार है। अब बात करते हैं हम BMW G310 RR के राइवल्स को लेके। तो सबसे पहला और क्लोजेस्ट राइवल कोई इसका है, तो वो है Apache RR 310, जो इसका सबसे बड़ा राइवल होने वाला है। इसके बाद और भी बाइक्स हैं, जैसे KTM RC 390, 2022 कावासाकी निंजा 300 और यमाहा की R3। ये बाइक्स BMW G310 RR की सबसे खतरनाक वाली राइवल्स होने वाली हैं। तो देखते हैं कि BMW G310 RR अपनी धाक बना पाता है या नहीं। और अगर हम बात करें लॉन्च को लेकर गाइज, तो ये मिड जुलाई में लॉन्च हो सकती है। तो वेट करते हैं इसके लॉन्च होने का, और फिर देखते हैं एक्चुअल में बाइक में क्या अपडेट्स मिलते हैं हमें, जो Apache RR 310 से इसको थोड़ा अलग बनाते हैं। अगर बात करूँ मुझे पर्सनली, अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगा, इस बाइक को लूँगा या नहीं लूँगा, तो भाई लोग जैसा कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अब हम सब जान चुके हैं कि BMW G310 RR Apache RR 310 बेस्ड है, और लुक में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लुक बिल्कुल सिमिलर है दोनों ही बाइक्स का, एक दूसरे से कोई चेंजेस नहीं है। अगर कुछ चेंजेस है तो वो बस ग्राफिक्स का है और कलर्स का है। तो अगर प्राइस रेंज सेम रहता है Apache RR 310 और BMW G310 RR का, तो आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। इन केस अगर प्राइस BMW G310 RR का ज़्यादा हो रहा है Apache RR 310 से, तो आप जरूर सोचना लेने के पहले कि आपको BMW G310 RR के लिए जाना चाहिए या फिर और जो बाइक राइवल्स हैं उनके लिए जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सही होगा मैं एक बैच के लिए ज़्यादा पैसे पे करूँ, क्योंकि मुझे और कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। आई होप भाई लोग आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगार्थियन राइडर।